अफसाना कब बदलेगा मौसम, मुसन्निफ सईद प्रेमी। जब जिंदगी की मुट्ठी ढीली पड़ जाती है तो सांसें एक एक करके सिरकने लगती हैं। ऐसा ही कुछ उसके साथ भी हो रहा था, लेकिन उसे कुछ दुख नहीं था। एक न एक दिन तो ऐसा होना ही था, वो तो सिर्फ अपने तौर पर मरना चाहता था। अपने तौर पर जीने का चलन तो उसने बहुत पहले सीख लिया था, शायद उस वक्त से जब उसका हरामी बाप उसकी माँ को छोड़कर भाग गया था। और उसकी माँ एक दिन सड़क पर कागज चुनती हुई एक ट्रक के नीचे आ गई थी। उस वक्त वो शायद 8 और 9 के दरमियान का था। फिर वक्त की उंगली थामे वो जिंदगी की गलियों और सड़कों से गुजरता रहा। माहौल साल की सीढ़ियाँ उसके पैरों तले से निकलती गईं, मौसम आए और चले गए, प्यासी रातों और सूखे दिनों की मैयत में गिरता संभलता वो आगे चलता रहा। लेकिन उम्र के किसी भी मोड़ पर उसने खुद को कमज़ोर महसूस नहीं किया और न ही कभी किसी के आगे हाथ फैलाया। मेहनत के पसीने में भीग कर उसे हमेशा ताजगी महसूस हुई और यही मेहनत का चस्का था कि एक दिन उसने खुद को एक बड़े शहर में पाया। जिंदगी उबड़ खाबड़ रस्तों से होती हुई उसे एक झोपड़ पट्टी में लिया। अगर ये झोपड़ पट्टी में उसकी ज़िंदगी में किसी हद तक ठहराव आ गया था, लेकिन उसकी सीमा भी तबीयत कुछ और चाहती थी। दिन भर टैक्सी चलाने के बाद जब रात गए वो अपनी झोपड़ी में लौटता तो हर तरह से देसी शराब की बूंद का इस्तेमाल करती और उसकी पेशानी पर कुछ बेनाम शिकने उभर आती। अजीब बात, गंदी तारीकियों दागदार उजालों और बिकते जिस्मों के दरमियान पलकर जवान होने के बावजूद उसने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया था। ये उसकी ज़िंदगी का अनोखा लिबास था, शायद ये उसके हरामी बाप की दैन थी। नशे में धुत बाप के हाथों मार खाती हुई उसकी मरियल माँ आज भी उसके तसव्वुर में महफूज थी। फूट पर सोते जागते दिनों के दरमियान किसी ने उसे एक अजीब नाम दिया था, किसने दिया था ये तो याद नहीं, लेकिन वो नाम आज भी उसके साथ था। आ गए सेठिया, हाँ उसने मुख्तसर सा जवाब दिया, डालूं तुम्हारे लिए, तुम तो जानते हो तेजू मैं पीता नहीं। हाँ ठीक, तुम तो पीते नहीं, पर क्यों नहीं पीते, तेजू ने लड़खड़ाती हुई आवाज़ में पूछा। सेठिया कोई जवाब दिए बगैर अपनी झोपड़ी की तरफ बढ़ गया। पीछे से नशे में डूबी तेजू की आवाज़ आ रही थी, हाँ तुम तो पीते नहीं, लेकिन क्यों नहीं पीते। सेठिया की झोपड़ी से कुछ हटकर बिजली के खंभे के नीचे शांति बैठी थी। उसका आंचल ढलका हुआ था और ब्लाउज के ऊपर के 2 बटन भी खुले हुए थे। रोशनी में उसका गोरा बदन साफ झलक रहा था। शांति एक ऐसी दुकान थी जिसमें कोई शटर नहीं था, लेकिन इस दुकान में कभी चोरी नहीं हुई थी, खरीदार कीमत चुका कर ही जाते थे। पर सेठिया के लिए शांति अपनी पूरी दुकान बताने को तैयार थी, मगर सेठिया उसकी तरफ रुख ही नहीं करता था। आज भी जब सेठिया उसकी तरफ देखे बगैर अपनी झोपड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया तो शांति के मुंह से बेसाख्ता निकला, साला हरामी।
बड़ा संत बनता है। वो एक झटके के साथ उठ खड़ी हुई और ज़मीन पर थूकती हुई अपनी झोपड़ी में चले गई। उसकी माँ ने पूछा, सेठिया आ गया? शांति की माँ भी इन्हीं रास्तों से गुजरी थी जहाँ इंतज़ार करना और ख्वाब देखना अच्छा लगता है, तो उससे ब्याह क्यों नहीं कर लेती? शायद उसके अंदर आज भी कोई औरत जिंदा थी। अगर मैंने उससे ब्याह कर लिया तो तुझे और तेरे होते सोते को रोटी कहाँ से नसीब होगी? शांति का लहजा तीखा था। शांति का बाप ठर्रे के नशे में धुत झोंपड़ी के बाहर ज़मीन पर पड़ा था। शांति की माँ ने कोई जवाब नहीं दिया और झोंपड़ी से निकलकर अपने होते सोते के पास चली गई। फुटपाथ से लगे लैंप पोस्ट की अकेली रोशनी झोंपड़ी पट्टी की मुंह जोर तारीकी से जंग करती रही। ऐसा नहीं था कि सेठिया के सारे एहसास कुंद हो चुके थे, उसकी रगों में दौड़ता हुआ खून अपनी गर्मी खो चुका था, बल्कि सच तो यह है कि उसके अंदर भी कोई चीज़ धड़कती थी, अरमान जागते थे, आरज़ूएं नकाब उठाती थी। वो अक्सर रात गए अपनी कुटिया में बेख्वाब पड़ा रहता, शांति के बेआवाज बुलावे उसके कानों में गूंजते रहते थे। वो हाथ बढ़ाकर शांति को छू सकता था, उसे अपने अंदर समेट सकता था, लेकिन ख्वाहिश के बावजूद वह ऐसा नहीं कर पाता था। एक बड़ी सड़क के किनारे लैंप पोस्ट के नज़दीक सेठिया अपनी टैक्सी लगाए खड़ा था। गुज़िश्ता 40 मिनट तक वो खाली टैक्सी घुमाए फिरता रहा था, अब वो मज़ीद पेट्रोल जलाने को तैयार नहीं था। उसका नया मालिक बड़ा खौफ था, ज़्यादा एम्प्टी होने पर धुएँ सकोड़ता था। उन दिनों शहर की फिजा कुछ अजीब की हो गई थी, सारी आबादी खानों में बट गई थी। मंदिर मस्जिद की तकरार में इंसान ने अपनी आवाज़ कहीं खो दी थी। हालात की कशीदगी को सेठिया मुकम्मल तौर पर समझता तो नहीं था, फिर भी वो अपनी टैक्सी बड़ी सड़कों के अहाते तक महदूद रखता था और अपनी समझ के मुताबिक मखदूस इलाकों की सवारी उठाने से परहेज करता था और मुख्तसर दूरी की सवारियों को तरजीह देता था। उसकी टैक्सी में बैठने वाले लोग अक्सर मजहबी जुनून की बातें किया करते, फिरका वराना नफरत की बातें करते, हिंदू और मुसलमान की बातें करते। वो सारी बातें सुनता लेकिन उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता था। बाज़ औक़ात में एक अनजाना खौफ भी महसूस करता था, लेकिन रोजी रोटी की फिक्र उसे टैक्सी निकालने पर मजबूर करती थी। अभी रात के 7 बजे थे, लेकिन सड़कों पर गहरी रात का सन्नाटा था। उकता कर सेठिया ने सिगरेट सुलगाया। अभी उसने एक ही कश लिया था कि एक नौजवान उसके टैक्सी के करीब आकर खड़ा हुआ। उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, बाल गर्द से हटे हुए थे, चेहरे से थकन झांक रही थी। उसने दो बड़े थैले उठा रखे थे। नौजवान ने धीमी आवाज़ में कहा, बस्ती तक पहुंचा दो। बस्ती का नाम सुनकर सेठिया ने नफी में सर हिला दिया। नौजवान ने दोनों थैले ज़मीन पर रख दिए। खिड़की पर रखे हुए सेठिया के हाथ को पकड़ लिया और मुजमहिल आवाज़ में कहा, हमारी बस्ती टूट चुकी है, छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, माओं के सिरों पर खाक उड़ रही, उनका दुख मुझे देखा नहीं गया और मैं अपनी जान की परवाह किए बगैर निकल पड़ा। बड़ी मुश्किल से थोड़ा चावल मुहैया कर सका हूँ, बड़ा एहसान होगा अगर तुम मुझे बस्ती तक पहुँचा दो। जो भी पैसे मांगोगे मैं देने को तैयार हूँ, बल्कि तुम इसी जगह अपने पैसे ले लो, मगर ये चावल गरीब बच्चों तक पहुँचा दो। अगर रास्ते में बलवाई ने रोक लिया तो तुम मुझे उनके हवाले कर देना। नौजवान ने स्टेरिंग व्हील के सामने लगे शिव के छोटे से फ्रेम की तरफ देखते हुए कहा। फिर जैसे मन ही मन सेठिया ने कोई फैसला कर लिया, चलो।
उसने टैक्सी का पिछला दरवाज़ा खोल दिया। नौजवान ने चावल से भरे दोनों थैले पिछले नशीज पर रख दिए और खूब खिड़की से लग कर बैठ गया। सेठिया ने कलच दबाया और टैक्सी हवा से बातें करने लगी। एक सड़क से दूसरी सड़क, दूसरी सड़क से तीसरी सड़क, टैक्सी भागी जा रही थी। नौजवान चुपचाप बैठा बाहर भागती हुई सड़कों को देख रहा था। शायद उसके तसव्वुर में भूख से निडाल बच्चों की शक्लें घूम रही थी। दूसरी तरफ सेठिया को जल्द से जल्द मंजिल तक पहुंचने की फिक्र थी। टैक्सी भाग रही थी और उसके साथ सेठिया का जहन भी भाग रहा था, कभी आगे कभी पीछे। उसे शांति याद आ रही थी, पहली बार माँ की याद आ रही थी, फिर उसे अपनी बीमारी याद आ गई जिसका पता उसे अचानक उस दिन चला था जब वो अपने एक साथी ड्राइवर को एक हादसे में बुरी तरह जख्मी हो गया था खून देने अस्पताल गया था और डॉक्टर ने जांच के बाद उसका खून लेने से इनकार कर दिया था। फिर उसके सोच का सिलसिला टूट गया। सामने से एक भीड़ चली आ रही थी, सेठिया को मजबूरन टैक्सी रोकनी पड़ी। भीड़ में शामिल लोगों में से एक ने टैक्सी के अंदर जाग कर देखा, उसकी नज़र सीट के फ्रेम पर पड़ी, फिर उसने सेठिया को चुपती हुई नजर से देखा। नाम? सेठिया। पीछे कौन है? किसी ने पिछली नशीज का दरवाज़ा खोला। सवारी? सेठिया ने जल्दी से जवाब दिया। इन थैलियों में क्या है? नौजवान ने दोनों थैलियों को मजबूती से पकड़ लिया। अरे ताकत दिखा रहा है, खींच लो साले को बाहर। भीड़ से कई आवाज़ें उभरी। सेठिया ने बीच में आने की कोशिश की लेकिन किसी ने उसे पीछे ढकेल दिया। नौजवान भीड़ के शिकंजे में था। साला बस्ती में चावल ले जा रहा है, छीन लो दोनों थैले। नौजवान ने मजबूती के साथ दोनों थैलियों को पकड़ रखा था, फिर पूरी ताकत से उसने खुद को भीड़ से आज़ाद कराया और तेज़ी के साथ बस्ती की तरफ भाग खड़ा हुआ। सारी भीड़ चीखती शोर मचाती नौजवान के पीछे दौड़ी। सेठिया टैक्सी में बैठा दौड़ती हुई भीड़ को देखता रहा। उसके तसव्वुर में नौजवान का मखमूम चेहरा घूम रहा था। कहाँ तक भागेगा, उसने बड़े दुख के साथ सोचा। सेठिया जब झोपड़ पट्टी पहुँचा रात के 12 बज रहे थे। शांति बदस्तूर लैंप पोस्ट के नीचे बैठी थी। त्यूजी तेज हु अपने शगल में मसरूफ था। आ गए सेठिया? हाँ, उसने मुख्तसर सा जवाब दिया। डालू तुम्हारे लिए? हाँ। तेजू को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। नशे में धुत होने के बावजूद उसने आंखें फाड़ कर सेठिया की तरफ देखा। शांति अपनी जगह से उठी, सेठिया के पीछे आकर खड़ी हुई और बड़े नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा। सेठिया ने मुड़कर शांति की तरफ देखा और कुछ कहे बगैर उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया।